हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। वो है बहुपद को कैसे पहचानें, जो कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके मैट्रिक एग्जाम हो गए या 9th 10th में भी पढ़ने हैं, तो ये सब सारे में पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपको समझने में कभी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो देख करके लगता है कि जैसे समझ में आ जाएगा, है ना, बन जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, जब स्पेशल पूछा जाता है उससे, तो जब बनाने लगता तो लगता है कि ना कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे या कैसे जानेंगे। तो देखिए, यहां पर कोई भी आप ले लीजिएगा, समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें एक चर और एक अचर रहते हैं। क्या होते हैं? चर और एक अचर। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि चर और अचर क्या होते हैं। चर जो होते हैं वो आपके एक्स वाई जेड जो होते हैं, एक्स वाई जेड अल्फाबेट कोई भी हो सकते हैं। यहां पे टू नहीं, ये जेड है, ठीक है। आप इसमें कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं अचर, अच्छा, जो कि 1 2 3 डॉलर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चर, चर का मान मतलब होता है कि जिस पद का, यानी जिसका वैल्यू जो है से फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, वो होते हैं आपका चर राशि। और अचर होता है जिसका वैल्यू जो है से फिक्स होते हैं, जिसका वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप कुरकुरे खरीदे होंगे, कुरकुरे, तो कुरकुरे हो गया आपका चर, जैसे इसका रेट बढ़ते जाता है ना, बढ़ रहा है। और अचर में आते हैं आपका क्वाइन, सिक्का, जैसे 5 का सिक्का है, आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी अगर वो सिक्का 5 के दिखाते हैं तो वो 5 ही रहेगा, फिक्स वैल्यू है उसका। लेकिन कुरकुरे अगर है तो कुरकुरे का रेट क्या होता है, बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, है ना। तो इसी तरह से है चर, चर के मतलब चरने वाला, उसका जो है सो चरना। देखिए, जानवर कोई है जैसे यहाँ पे बांध दिए, यही पे एक ही जगह खा रहा है, तो ये आप कहते हैं कि चर रहे हैं, नहीं, ये फिक्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका अचर हो गए। और चरने का मतलब हो गया कि आप उसका खुले छोड़ दीजिए, तो वो जहां मन वहां जाकर के खाएगा घास, तो वही जो है से क्या होगा, चर। तो वही है चर के मतलब, वो इसका वैल्यू जो है कुछ भी चेंज होते रहेंगे, और अचर जिसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो कि इसका वैल्यू एकदम फिक्स होता है, ठीक है। जैसे घर में हम लोग जानवर को बांध देते हैं और वहां पे कोई नाद में दे देते हैं, तो वो एक ही जगह पे खाते रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं, चरते नहीं, वो अचर फिक्स हो जाते हैं। तो वही, ठीक है। तो इसमें चर और अचर दोनों होते हैं। तो जब कोई भी बहुपद या कोई भी समीकरण या कोई भी बहुपद, यानी कोई भी पदों का जो है व्यंजक का, उसका जो चर मान होगा, क्या होगा, चर मान, वो चर का पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, आप समझिए कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं, है ना, नए नए शब्द सुन रहे, ऐसे तो आपने ये पहले ही पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4, है ना, इसको होल नंबर भी बोलते हैं, डॉट करके, यानी गिनती वाले संख्या होते हैं, और इसमें जीरो सम्मिलित हो जाते हैं। क्या होते हैं, जीरो सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है गिनती रहेगा, वो जीरो भी हो सकते हैं। तो कोई भी चर मान का अगर पावर जो है से पावर, यानी घात, डिग्री, ठीक है, अगर वो पूर्ण संख्या होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बहुपद होंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और इससे समझते हैं। जैसे एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, क्या ये बहुपद हैं? तो देखिए, इसका पावर, यहां पर पावर, ये एक्स का पावर, देखिए ये एक्स का और ये, तो यहां पे आपको काउंटिंग वाले नहीं लेने हैं, गिनती वाले नहीं लेने हैं, ठीक है। तो जो एक्स वाई हो, यानी जो भी चर राशि हो, उसी को देखना है। यहां चर है, इसका पावर यहां पे कुछ नहीं है, तो पावर कितना है, एक है, कुछ नहीं है तो पावर उसका एक है, ठीक है। तो ये एक हो गया, यहां पर दो हो गया। अब इसमें बताइए, कोई भी जो है जो कि इसमें से ना हो, तो यहां पर एक है तो वो पूर्ण संख्या होते हैं, दो हैं तो दो भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी एक भी अगर आ जाए ना, एक भी अगर इसमें से ना हो, कोई दूसरा आ जाए, जैसे माइनस में आ जाए या आपका भिन्न संख्या में आ जाए, बटा में आ जाए,
तो वो जो है से आपका बहुपद नहीं हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है से पावर जो है सभी इसी में से कोई ना कोई है, किसका? चार राशि का, तो इसलिए ये बहुपद है। फिर आप एक ऐसे ले सकते हैं, अब बताइए क्या बहुपद है? तो बहुपद देखिए ये पावर टू है तो इसमें है, माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स नहीं होंगे, क्योंकि माइनस सिक्स जो होते हैं वो आप एक उसको क्या कहिएगा, पूर्णांक संख्या। क्या है वो? माइनस सिक्स जो है वो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स है, और इसमें तो है नहीं, तो ये जो है से बहुपद नहीं होंगे, ये बहुपद होंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे एक्स प्लस टू वाई एक्स, तो क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा, इसका आप व्यापक रूप में लिखेगा तो ऐसे नहीं, इसको लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, व्यापक रूप लिखेगा तो कि x प्लस टू एक्स, और ये ऊपर ले जाना पड़ेगा है ना, तो ये ऊपर चला आया तो इसलिए इसका पावर जैसे माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? पावर माइनस में, क्योंकि इसको देखिए आप पहले ही पढ़े होंगे व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम, यानी ये जो है प्लस से माइनस, यानी नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, या ऊपर से अगर आप नीचे किसी को लाते हैं तो उसका पावर जो है क्या लेंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप जैसे ये लिखा हुआ इसका अगर आप पावर माइनस देते हैं तो प्लस में करने के लिए इसका अपोजिट करना पड़ता है ना, ये तो आप यहाँ पे गिनती ले लीजिए या कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको ये सब चीज समझ में आया, तो ये क्या है, पावर क्या हो गया? माइनस में हो गया, तो माइनस में हो गया तो ये आपका बहुपद है नहीं है, ठीक है। और भी कई तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे थ्री एक्स के पावर टू ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए रूट एक्स प्लस थ्री, आप क्या ये बहुपद हैं? नहीं है, क्योंकि देखिए ये रूट में भी नहीं होने चाहिए, रूट में भी नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए ये जब किसी भी संख्या जो है वो रूट के अंदर हो तो वो पावर उसका 1/2 होता है। जैसे क्या हो गया इसका 1/2 हो गया इसका पावर। और भी जैसे समझ लीजिए कि कहीं कहीं ऐसे रहते हैं तो इसका क्या होगा, तो इसका देखिए आपका x के पावर 1/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक इसमें जो है रूट आते हैं इसके बारे में ही बता देते हैं हम। तो जैसे कोई भी संख्या है इसका पावर अगर मान लिया जाए कि ऐसे है ये, अब इसको आप कैसे लिखिएगा सही से, तो x लिख दीजिए और जैसे ही यहाँ पे पावर जो है भिन्न में है तो इसको रूट ऐसे बैठा दीजिए, ठीक है। और ये जो है बट्टा में जो आता है जो भिन्न में यहाँ पे है नीचे हर जो है ये पावर आपका यहां पर ये वाला आ जाएंगे, ठीक है। ये जो ऐसे रूट वाला घर होता है ना इसमें, और ये जो छा ऊपर है यहां आ जाएंगे, समझ में आ रही बात? तो ये चीज जो है आपका होता है कोई भी रूट वाले में। तो ये क्या भिन्न संख्या हो गया ना, इसका जो है से पावर जो है क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्योंकि इसका पावर 1/2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 2 रहता, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका पावर एक भिन्न संख्या हो गया, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन कर देते हैं, जिसको आप देख लीजिए बारीकी से, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए अब क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये बहुपद नहीं है, ऐसा बोला ना, नहीं ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, क्यों है और क्यों नहीं है? कहिएगा कि यहां पर तो रूट में है, तो आप फिर एक बार बोले कि नहीं है, एक बार बोले हैं, तो देखिए नहीं है, ऐसा नहीं, ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। कैसे है? ये रूट में होते हुए बारे में है। तो देखिए मैंने बताया था अभी कि कोई भी व्यंजक का उसमें चार जो राशि होगा ना वो रूट में नहीं होना चाहिए। क्या? जो चार राशि है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चार है रूट में, नहीं ना, आचर होगा ना, गिनती है वो रूट में है, तो इसलिए ये बहुपद है। क्या? ये बहुपद है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है एक्स नहीं ना रूट में, तो ये बहुपद हो गया, ठीक है। और भी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे में 3x इसका रूट अंडर प्लस वाई प्लस सिक्स, अब क्या ये बहुपद है? बताइए ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर थ्री तो है से है बेचारा, थ्री से कोई मतलब है नहीं हमको, लेकिन यहाँ एक्स भी रूट में है, यहां तक आ गया ना, इसका मतलब क्या है, एक्स भी रूट में है, तो इसलिए ये जो है से बहुपद नहीं है। और भी आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे ही एक्स स्क्वायर हो गया प्लस थ्री एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो है से बट्टे में है
और अगर काटते भी हैं तो इसका पावर एक कटेगा लेकिन एक तो रह जाएगा, है ना, यानी ये बट्टा में एक्स कहीं ना कहीं आ गया, तो इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। चलिए और वही उदाहरण ले लीजिए, और हाँ अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो वो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अगर मान लिया जाए, ऐसे लिया जाए तो क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो ये बहुपद है क्यों है, क्योंकि देखिए ये बट्टा में भले ही ये वाला है गिनती है, गिनती है वो बट्टा में है, ना कि जो अचर है वो, या सॉरी जो चर है वो, जो चर है वो बट्टा में नहीं ना है, तो यहां पर ये बहुपद होंगे। और भी उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, बहुत तरह के आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन बहुत तरह से दिया जा सकता है, तो आपको बारीकी से सभी चीज समझने हैं। जैसे यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस टू, तो क्या ये बहुपद है, आप तो कहिएगा यहाँ बटा में है, तो पावर ये जो आप बताइए कि ये बहुपद में होंगे कि नहीं, तो ये बहुपद है, क्यों है इसे देखिए, क्योंकि ये पावर तीन है और ये पावर दो है, तो कटेंगे तो पावर नीचे कितना, यहाँ पे नीचे तो बचेंगे नहीं, यहाँ पे पावर एक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको पहले पता होगा ये चीज कि जब ऐसे रहता है तो पावर यहाँ पे भाग में है ना, तो पावर इसमें घटेगा, क्या होगा, पावर घटेगा अर्थात x के पावर एक आ जाएगा। और नहीं तो एक तरीका से और इसको समझ सकते हैं कि x का पावर तीन है तो इसको हम लोग तीन बार गुना में लिख सकते हैं, और ये दो है तो हम कितना ही बार, दो बार इसको लिख सकते हैं x इंटू एक, और ये दो को कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक x बचा, तो इसलिए ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद ये है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह जो है बहुपद है या नहीं इसको आप अच्छे से पहचान सकेंगे अब। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और हाँ, अगर अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊं।